बड़ी खबर आ रही है भिंड से, जहां गंज मोहल्ला में पुलिस टीम पर पथराव। गोहत के गंज मोहल्ला में आरोपियों को पकड़ने की गई थी पुलिस, उसी के बीच पुलिस पर पथराव किया गया है। आपको बता दें एसडीओपी प्रवीण अष्ठाना बाल बाल बचे हैं इस पथराव में। तो बड़ी खबर भिंड से आपकी टीवी स्क्रीन पे आ रही है, जहां भारत बंद के दौरान आरोपियों ने ये उत्पात मचाया था। वहीं पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया, एक पथराव हुआ था। तो गंज मोहल्ला में पुलिस टीम पर यह पथराव किया गया था। गोहत के गंज मोहल्ला में आरोपियों को पकड़ने गई थी पुलिस, उसी के ही चलते आरोपियों ने पुलिस पर पथराव किया और एसडीओपी प्रवीण अष्ठाना घायल हो गए। भारत बंद के दौरान आरोपियों ने ये उत्पात मचाया था, आपको बता दें। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता विकास जोशी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी विकास, गंज मोहल्ला में ये जो पुलिस पर पथराव हुआ था, इसके बारे में क्या कुछ साझा अपडेट्स? कृष्णा जी, आपको बता दें गोद में जिस तरीके से कर्फ्यू के दौरान जो उपद्रव किया गया था और जिसमें जो आरोपी करीबन 30 लोगों को नामजद आरोपी बनाया गया था, उनकी गिरफ्तारी को लेकर पुलिस पार्टी जो एसडीओपी प्रवीण अष्ठाना है उनकी मार्गदर्शन में गिरफ्तारी के लिए गई हुई थी। वहां पे जैसे ही गंज मोहल्ला में पहुंची, वहां पे पहले शिकायत लगा जो आरोपी बैठे थे और महिलाएं थी, ऊपर से उन्हें पथराव चालू कर दिया, जिसमें से पुलिस के ऊपर पथराव किया गया था। हालांकि पुलिस में कोई चोटें नहीं आई है। बाद में जब पुलिस ने घर में घुसकर उन आरोपियों को गिरफ्तार किया, तो उन आरोपियों के करीबन 3 आरोपियों को चोटें आई हैं और करीबन 6 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। और भी प्रयास किए जा रहे हैं, जिस ज्यादा से ज्यादा जो गिरफ्तार आरोपी हैं जो फरार चले हैं जिस मामले को लेकर, जो उपद्रव के दौरान जिन लोगों ने हमला किया था या तोड़फोड़ की थी, उनको गिरफ्तारी के लिए लगातार प्रयास जारी है। जी विकास, अभी भिंड में स्थिति कैसी है, माहौल कैसा है अभी उधर पे? जी कृष्णा जी, आपको बता दें जिस तरीके से सुबह से ही घोषणा कर दी गई थी प्रशासन के द्वारा कि आज भी कर्फ्यू जारी रहेगा और यहाँ पे भी अभी 10 बजे से 12 बजे तक बीच में थोड़ा सा बाजार खुला था, जिसमें से लोगों को जो आमजन की जो जरूरतमंद की जो चीजें थी उनको खरीदने के लिए थोड़ा दो घंटे की ढील दी गई थी। उसके बाद में फिर कर्फ्यू लगा दिया गया है और उसको पूर्णतः बाजार बंद करवा दिया गया। उसके बाद में सुबह से लेकर जो एक जूस की दुकान में भी आग लगा दी गई थी उपद्रवियों द्वारा, उसको भी पुलिस ने कंट्रोल कर लिया। फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंचने के बाद उसको कंट्रोल कर लिया, अब स्थिति नियंत्रण में है। जी विकास, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे तमाम जानकारी साझा करने के लिए।